रोट्रेक्ट गिरिडीह ग्रेटर युवा के द्वारा शुक्रवार को सिहोडीह नया पुल के समीप पौधारोपण और मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि यूनिसेफ स्कूल व चेतना संस्था के कुमारी निशा और वार्ड पार्षद अशोक राम शामिल हुए। मौके पर क्लब के उपाध्यक्ष प्रियंका शक्ति के जन्मदिन के मौके पर भी तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद अशोक राम ने बताया कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि रोट्रेक्ट ग्रेटर के युवाओं ने जन्मदिवस पर पौधारोपण जैसे महती कार्य किए हैं। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा करते हुए पौधारोपण को एक सराहनीय कार्य बताया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष अजय ठाकुर, सचिव शिवनंदन कुमार, पूर्व अध्यक्ष निशांत गुप्ता, सह सचिव राहुल कुमार, सौरव कुमार, प्रज्ञानंदन यादव के अलावे सिहोडी के सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, बबलू शर्मा, सोनू राम, चुनमुन राम, संजू राम, जितू कुमार, श्याम कुमार आदि उपस्थित थे। और हमारे सिहोडी वार्ड नंबर 11 में हमें इस बीमारी से का उन्मूलन करना है, तो इसलिए हम लोगों को आज सिहोडी वार्ड नंबर 11 में रोटेक क्लब युवा द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रोटेक क्लब के तमाम यहां के सदस्यों को और साथ ही यहां के गांव के जो जितने भी मानिंद लोग उपस्थित हुए हैं। आज वृक्षारोपण में पूर्ण रूप से एकदम बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना काल में दवा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उस ऑक्सीजन जो कि आज उसको खरीदा नहीं जा सकता है, वो पेड़ पौधा से ही विस्तृत रूप से बढ़िया स्वच्छ हम लोग को ऑक्सीजन मिल सकेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के तमाम सिहोडी के वासी एवं रोटेक क्लब युवा का जो सारे साथीगण हैं और मैम है जो हमेशा यहाँ पर लोगों को हमेशा ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर जो है क्या कि जो आज चल रहा है कोरोना काल में लोग जागरूक होइए और जो हमारे देश के जो वैज्ञानिकों ने जो इंजेक्शन बनाया है उसका इस्तेमाल करिए। इस इस्तेमाल से किसी को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, यही कोरोना काल में बचा सकता है और इसको कदम से कदम मिला करके लोगों का सहयोग करने का हम अपील करते हैं कि लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उस वैक्सीन का इस्तेमाल कराने में सहयोग।